अनुसूचित जनजाति राष्ट्रीय आयोग अध्यक्ष अंतर सिंह आर्य के प्रथम आगमन पर भाजपा मंडल अध्यक्ष मुकेश पटेल के नेतृत्व में जोरदार स्वागत किया है। इस अवसर पर राज्यसभा सांसद सुमेर सिंह सोलंकी, चंद्र सिंह वासकली, भागीरथ बडोली भी मौजूद रहे। इस मौके पर अंतर सिंह आर्य ने कहा कि मैं एक संवैधानिक पद पर हूँ और मैं आदिवासी भाइयों को भगोरिया पर्व की बधाई देने आया हूं। वहीं राज्यसभा सांसद सोलंकी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में अब की बार 400 पार व लोकसभा में 4 लाख मतों से विजय हासिल करें। भाजपा का प्रत्येक कार्यकर्ता कंधे से कंधा मिलाकर लोकसभा चुनाव में जुट गया है। इस अवसर पर भाजपा नेता कृष्णकांत यादव, हरिओम यादव, मुकेश मंडलोई, सत्येंद्र मंडलोई, अशोक प्रजापत सहित समस्त भाजपा नेता मौजूद रहे हैं। देखिए, ये मेरा विषय नहीं है क्योंकि मैं एक संवैधानिक पद के ऊपर, मतलब राष्ट्रपति जी ने मुझे नियुक्त किया है। अभी यहाँ पर भगोरिया पर्व चल रहा है, मैं दिल्ली से स्पेशल भगोरिया समाज के बीच में देखने के लिए आया हूँ और दूसरे विषय से मेरा संबंध नहीं है क्योंकि आयोग है और हर जिले में मतलब एक एक दो दो भगोरिया देख रहे हैं और उसमें हम ढोल भी बजा रहे हैं, नाच भी रहे हैं और समाज के सभी वर्गों को मैं भगोरिया की शुभकामना दे रहा हूं कि उनका अच्छा भविष्य उज्जवल हो। धन्यवाद। देखिए, अभी तो पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहा है और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और मध्य प्रदेश में माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी और माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहा है। मध्य प्रदेश की पूरी 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी इस बार जीतेगी और पूरे भारत में अब की बार 400 पार का आंकड़ा हम पार करेंगे। देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ जीत के भारत में सरकार बनाएगी। खरगोन लोकसभा कितने मतों से जीतेगी? खरगोन लोकसभा भारतीय जनता पार्टी 8 विधानसभा को मिलाकर हमारे जो लोकप्रिय प्रत्याशी है माननीय गजेंद्र पटेल जी, उनके साथ में प्रत्येक कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर, बूथ स्तर पर पन्ना प्रमुख भी काम कर रहा है। अब की बार खरगोन बड़वानी लोकसभा हम 4 लाख से अधिक वोटों से जीतेंगे और हर हाल में जीतेंगे क्योंकि देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में निमाड़ क्षेत्र में जो विकास हुआ है वो पिछले 60 सालों में कांग्रेस ने कभी नहीं किया। अब की बार 400 पार का नारा अगर देश के प्रधानमंत्री जी ने दिया है तो पिछले 10 सालों में जो जनता का विकास किया है, जो जनता के जन जन के मन में मोदी जी विकास के कामों को करने के बाद समाये हैं, उसके प्रति जनता का विश्वास पैदा हुआ है और इसी विश्वास का परिणाम होगा कि अब की बार खरगोन सहित पूरे मध्य प्रदेश और देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ जीतेगी और आपको परिणाम भविष्य में देखने को मिलेंगे। सेगांव से संजय जायसवाल की रिपोर्ट।